सो हे गाइस, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आपके कलियों से रिलेटेड सभी तरीके के डाउट सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि कलियों वाला प्लाजो, चाहे वो 12 कली का हो, 18 कली का हो, 24 कली का हो या फिर 32 कली का हो, तो कितनी भी कलियों का प्लाजो बनाओ, तो वो सब तरीके के हम डाउट सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा, हम कलियों वाली स्कर्ट के भी डाउट दूर करने वाले हैं कि आपने कलियों वाली स्कर्ट बनानी है, उसमें आपने बेल्ट लगानी है पूरे में, या फिर आधे में बेल्ट लगानी है, या फिर पूरे में इलास्टिक लगाना है और साइड में जिप लगानी, तो ये चीज़ें भी हम आपकी सोल्व करने वाले हैं। उससे अलावा हम आपको कलियों वाला फ्रॉक, यानी कि ऊपर टॉप पार्ट रहेगा और नीचे कलियों वाला घेर रहेगा, वो चीज़ भी इसी क्लास में बताने वाले हैं। उससे अलावा एक चीज़ और सुन लीजिए, अनारकली फ्रॉक, जो आप सोचते हो कि ये कैसे बनता होगा, जिसकी कलियाँ ऊपर से लेके स्टार्ट होती है और नीचे तक ऐसे फैल जाती हैं, उसमें टॉप पार्ट अलग से नहीं रहेगा, ऊपर से ही स्टार्ट होएगी और नीचे तक ऐसे, उसको आप 3 मीटर में भी बना सकते हो, 5 में भी, 8 में भी, यानी कितना घेर बनाना चाहते हो उस चीज़ से ये आप कलियों वाला फ्रॉक बनाओगे, जिसको अनारकली फ्रॉक। तो कलियों में तो आप कहीं भी पजल नहीं होगे कभी भी, चाहे आप छोटे बच्चों की बना रहे हो, चाहे बड़े की बना रहे हो, बहुत ही आसान से मेथड हम आज की क्लास में आपके क्लियर करना चाहते हैं। बस हमारी जो डील है इस चीज़ के लिए, वो आपको कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखनी है, फिर आपको कलियों वाली किसी भी ड्रेस में कोई भी रुकावट नहीं आने वाली है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे 12 कली का प्लाजो। तो चलिए, उसके लिए हमने फैब्रिक लिया है, ये रिवोन कॉटन में है, ये हमने 2 मीटर से कुछ एक्स्ट्रा लिया है। तो आप कितना ले सकते हो फैब्रिक, 12 कली का प्लाजो आपका कितने मीटर फैब्रिक में बन सकता है, तो वो चीज़ समझिए। जैसे कि हमें पूरी आपकी प्रॉपर लेंथ के अकॉर्डिंग ही बता देते हैं, सबसे पहले हम निशान लगाएंगे 2 या 2.5 इंच पे कि आपने इलास्टिक डालना है तो आप किस तरीके से इलास्टिक डालना है, या फिर बेल्ट लगानी है तो किस तरीके से आप यहाँ से आपका इलास्टिक इतना है तो फोल्ड होने का भी होना चाहिए, तो आप ले सकते हो 2 या 2.5 इंच। तो हमने यहाँ से लिया है 2 इंच, आप ज़्यादा फोल्ड कर रहे हो तो 2.5 इंच ले लीजिए बस। उसके बाद इस निशान से हम निशान लगाएंगे जितनी हमारी लेंथ है, तो यहाँ से हमने निशान लगाया 38 पे, हमारी लेंथ है 38 की। अब हमने यहाँ से 2 इंच फिर से रख लेना है, आप ऊपर 2.5 रख रहे हो तो आपने नीचे भी 2.5 रखना है, आप नीचे मतलब ऊपर 2 इंच रख रहे हो तो नीचे भी आपने 2 इंच ही रखना है। अब हम इन लाइनों को सीधा कर देते हैं, तो हम इसमें से बना रहे हैं 12 कलियों का प्लाजो। इसकी विड्थ हमारी हो गई है यहाँ पे 27 के अराउंड, तो हमने इसको 3 भाग में डिवाइड कर देना है, 27 को 3 भाग में डिवाइड करना है, तो कितना आ गया आपका 9 इंच। तो 27 को हमने 3 भाग में डिवाइड किया तो हमारा आ गया 9 इंच, तो हमने 9 इंच पे एक निशान लगा लेना है, 1 इंच 9 इंच पे ये निशान लगा लेना है, 9 इंच पे हमने निशान लगा दिए। इनकी वेस्ट है यहाँ पे 32, इसमें हमने 10 इंच प्लस करना है, ये हो गई है यहाँ पे 42, 42 को हमने डिवाइड करना है 12 के साथ, उसके बाद हमने इसमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि 3.5 आ गया हमारा, प्लस करेंगे 1 इंच, टोटल हो गया 4.5, तो हमने 4.5 की कली का निशान लगाना है। एक हमारा निशान हमने जो लगाया था वो लगाया था 9 इंच का, फिर हमने एक निशान लगा लेना 4.5 का, तो हमारी कलियाँ तो कंप्लीट हो गई एक तरफ से। अब यहाँ तो हमारा जो ये फैब्रिक बच गया ना, ये एक्स्ट्रा बच गया, ये वेस्ट जाएगा, क्योंकि एक कली ऐसे निकल जाएगी, 2 उधर से निकल जाएगी, साइड वाला तो वेस्ट हो गया, हम नहीं चाहते कि ये वेस्ट होए। तो ये फैब्रिक हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा कितना बच रहा है, ये 8 इंच के करीब बच रहा है, ठीक है। तो 8 इंच को हम 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो 9 में हम 2.5 इंच और प्लस कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 11.5, तो हमारी अब नीचे की कली 11.5 की निकल के आएगी और ऊपर से 4.5।
तो अब हम निशान लगा लेते हैं 4:30 का। थोड़ी सी कन्नी तो साइड ही कर देते हैं क्योंकि इतना तो फैब्रिक ऐसे भी था एक्स्ट्रा। 4:30 पे हमने निशान लगाया, यहाँ से 11:30 की इतना साइज हमें एक्स्ट्रा मिल गया नीचे वाली कली में। अब हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से हमने मिला दी। अब हम यहाँ से 4:30 मापेंगे, यहाँ से हम मापेंगे 11:30। अब इसके साथ इसको मिला देते हैं। आप एक कली कट करके एक दूसरे के ऊपर रख रख के भी कट कर सकते हो। अब हम यहाँ से 11:30 पे निशान लगा लेते हैं जो कि पूरा पूरा है, और यहाँ से हमने निशान लगाना है 4:30 पे। अब यहाँ से हम इस तरीके से तिरछे में ये निशान भी लगा देते हैं। अब हमारा इतना ही खराब हुआ है, वरना हमारा यहाँ से लेके सारा खराब जाता। तो देखिए हमारी जो कलियाँ हैं हमने इस तरीके से रख ली हैं। आपने जब इनको जोड़ना है तो आपने कैसे जोड़ना है, सीधे के साथ सीधे को, तिरछे के साथ तिरछे को। आपने ये चीज़ बिल्कुल देखनी है कि सीधे के साथ सीधी कली जोड़नी है और तिरछे के साथ तिरछी। वापस से वही 2-2 इंच वाले निशान उठा लेते हैं यहाँ पे भी, ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरीके से अब जब हम इनको सबको जोड़ देंगे इस तरीके से, तो हमने इसमें आसन भी निकालना है। इसमें हमने आसन निकालना, आसन कैसे निकालेंगे हम, जितनी हमारी हिप है, हमारी हिप है 39, उसका 4th पार्ट करेंगे तो हमारा हो गया 10 माइनस, यानी कि 10.5। इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12.25। हमारा हो जाएगा यहाँ पे 12.25, 10.5 था, 2.5 इंच प्लस किया 12.25। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं 12.25 पे, एक तरफ कौन सी भी तरफ लगा लेना, कलियाँ अभी इक्वल होती हैं। तो 2.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया, और यहाँ पे भी अंदर की तरफ हम 2.5 इंच पे ही निशान लगा लेते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से तिरछे में निशान लगाएंगे, यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। मान के चलिए आपने बनानी हो स्कल्ट, कलियों की स्कल्ट, तो सेम मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम मेथड रहेगा, सिवाय आसन कट नहीं करना, बाकी सेम मेजरमेंट से आप स्कल्ट भी कट कर सकते हो। कि वेस्ट में 10 इंच की लूजिंग ले लो, हाफ में डाल रहे हो तो 5 इंच की लूजिंग ले लो, पूरी पूरी कट कर रहे हो बेल्ट तो पूरी पूरी वेस्ट का ले लो, कट कर लोगे ना, सेम मेथड रहेगा। उसमें आसन आसन स्किप कर देना, बाकी आपके स्कल्ट का सेम मेथड है। आप कितनी कलियाँ निकाल सकते हो स्कल्ट के लिए, उसी तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके देख लेना। नीचे से कलियों का साइज कम से कम 7 इंच का बिल्कुल होना चाहिए चौड़ाई नीचे से कलियों का, उससे ज़्यादा 15 इंच तक भी चल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नीचे का घेर 15 इंच तक भी चल सकता है, कम से कम 7 इंच तो होना ही चाहिए, ऊपर से आपके साइज के अकॉर्डिंग निकल के आ जाएगा। क्लियर होगी सारी चीज़ें, ओके। तो अब आपकी स्कर्ट और प्लाजो हो गया है, चाहे कितनी भी कलियों का निकालो सेम मेजरमेंट रहेगा। इसको साइड कर देते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं फुल कलियों का अनारकली फ्रॉक। तो देखिए हमने इसके लिए फैब्रिक लिया है, ये रिवोन में ही है, तो बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। इसमें भी आप इस तरीके का ले सकते हो, कोई भी फैब्रिक अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसका जो पना है, विड्थ है, वो काफ़ी ब्रॉड है, इसकी विड्थ 60 के अराउंड है। आप इसको 21, यानी कि ये हमने 60 मापा है डबल में, तो 21 भी डबल में अगर करके देखोगे तो पूरा ओपन देखोगे तो 42 में भी आप इसको बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ माप लेते हैं। एक तो ये दिखा देते हैं, हमने इसको
एट फोल्ड किया हुआ है। अब हमने सबसे पहले लेंथ लेनी है, हम बता रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक कलियों का मेजरमेंट। तो हमने लेंथ लेनी है, लेंथ हमारी 45 है, हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा। आपने कितना फोल्ड करना है उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा ले सकते हो। हम नीचे 1.5 इंच फोल्ड करेंगे, इसमें 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का जाएगा। तो हम 47 पे निशान लगा रहे हैं, 45 था 47। तो देखिए, हमने आपको समझाया था कि 16 कलियां निकल रही है, लेकिन हमारे पास फैब्रिक एक्स्ट्रा ही था, हमने इसको अब 16 बार फोल्ड कर लिया है। तो हमने क्या करना है, हमारी चेस्ट देखनी है। जैसे कि हमारी चेस्ट है 38, डिवाइड बाई करेंगे 32, क्योंकि हमारी कलियां हो चुकी है 32 की, तो इक्वल आया हमारा 118। अब हमने इसमें प्लस करना है 1 इंच मार्जिन का, क्योंकि कलियां दोनों तरफ से जुड़ेंगी। तो हमने जो साइज उठाना है वो 2 यानी कि 2.25 के करीब उठाना है, बल्कि 2.5 का उठा लेते हैं एक तरफ से। जब हम इनको इक्वल कट करेंगे तब वापस से 2.25 के अराउंड ही हम ले लेंगे। यहाँ से हमने साइज उठाया 2.5 इंच का, इस कोने से भी हम साइज उठा लेते हैं 2.5 इंच का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी आपकी वेस्ट है, आपकी वेस्ट कितनी है, 15, 15.5 इतनी कुछ, तो आपने क्या करना है 16 इंच, 15.5 इंच तक एक सीधा निशान लगाना है। जितना आपने यहाँ से लिया है 2.5 इंच, 2.5 इंच ही यहाँ से लीजिए। सेम आपने यहाँ पे भी एक निशान लगा लेना है 15.5 या 16 इंच पे। अब हम इसको इस तरीके से ट्रायंगल में मिला देंगे। जब हम इसको कट करेंगे तो ए शेप में कट करेंगे, ना कि बिल्कुल ऐसे ही कोने में। तो ये वेस्ट जाएगा हमारा फैब्रिक इतना सा, सेम ऐसे ही इधर भी। जैसे कि हम ऐसे सेम अगर ज़्यादा ही तो बिल्कुल इक्वल लेना चाहते हैं कि ए शेप में आए, तो यहाँ से इंची टेप की हेल्प से ऐसे के ऐसे तिरछे में मिला दीजिए। अगर हम पैटर्न पे कट करते हैं ना, तो हमें एक एक कली को रख के कट करना होता है। हम सारी एक साथ कट कर रहे हैं इतना फैब्रिक मोटा, तो उसमें थोड़ा बहुत कटिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, तो उसको आप बाद में भी फिनिशिंग दे सकते हो। जैसे कि हमने इन कलियों को, सभी कलियों को अलग कर लिया है ऐसे ही। अगर आप सीधा का सीधा ए शेप में कट करते ना कलियों को, तो यहाँ पर वो फिटिंग आप लाख कोशिश के बाद भी वेस्ट वाली फिटिंग नहीं दे पाते, क्योंकि चेस्ट के अकॉर्डिंग कट कर लिया, ए शेप में कट कर देते, कमर के बाहर आपका कम से कम 10-15 इंच फैब्रिक बच जाता है, इधर भी इधर भी, अगर आप ए शेप में कट करते तो आपने सीधा ही कट करना है। तो इनको सबको जोड़ लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। साइड में आर्म होल में से फैब्रिक निकलेगा, वो छोटा सा टुकड़ा चेस्ट के आगे जोड़ देंगे। तो बस ये इतना ही था इसमें। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने ये अनारकली फ्रॉक बनाना है। सो गाइस, ये देखिए, आपको कलियों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बस एक फ्रॉक कैसे बनाते हैं, ऊपर टॉप पार्ट बनाना है और नीचे उसी से साथ अटैच करना है कलियों का घेर, तो वो कैसे कट करेंगे वो चीज़ भी एक बार समझ लेते हैं। इस फैब्रिक को हमने 8 फोल्ड किया हुआ है, अभी हमने 8 फोल्ड किया हुआ है, लेकिन इतनी चौड़ी कलियाँ हम नहीं निकालेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। हाँ, इतनी चौड़ी कलियां हम निकाल लेंगे इस तरीके से। तो हमारा ये हो गया है 16 बार फोल्ड। हमने आपको काफ़ी बताया दोनों तरफ से कलियां निकालना, इसको हम आपको बता रहे ए शेप में कलियां निकालना, कि ए शेप में कलियां निकालनी पड़े तो कैसे निकालोगे। तो यहाँ से हम इसमें से 16 कलियां निकालेंगे, क्योंकि हमारी पहले 8 फोल्ड था, अब 16 फोल्ड हो गया है, तो 16 कलियाँ ही निकालेंगे अगर ए फोल्ड में कट करेंगे तो। तो पहले तो जो अनइक्वल फैब्रिक है, यहाँ से इसको कट करके इक्वल कर लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ से हम इस तरीके से लेंथ देख लेते हैं,
सबसे पहले हम हमारे टॉप पार्ट की लेंथ देखेंगे कि हमारा टॉप पार्ट कितने का है। टॉप पार्ट आपने पहले कट कर लेना है। आपका टॉप पार्ट जैसे कि 14 इंच की लेंथ का हो जाएगा, 15 इंच की लेंथ का हो जाएगा, उस तरीके से आप टॉप पार्ट किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो। मेनली हम आपको कलियो वाला फॉर्मूला बता रहे हैं, तो उस पर चलते हैं। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमारा टॉप पार्ट है 15 इंच का रेडी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 14.5 इंची टेप को बाहर निकाल देते हैं। हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो हमारा टोटल 15 इंच हो जाएगा। अब हमारी जो लेंथ है वो है यहाँ पे 47, तो हम इसमें से इस तरीके से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। अब हमने दोनों तरफ से कलियाँ निकालनी हैं, तो हमारी 32 कलियाँ निकल के आएंगी। आपको वो चीज़ समझ आ चुकी है, लेकिन अगर हमने ए शेप में कलियाँ कट करनी है, सिंगल ही कलियाँ निकालनी, तो कैसे निकालोगे। हम इसका सेंटर माप लेते हैं यहाँ से। ये हमारा 9 इंच का है, तो 4.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेते हैं। 4.5 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया। अब हम साइज़ देखेंगे हमारी वेस्ट कितनी है। हमारी वेस्ट है 33। हम डिवाइड करेंगे कितने से, जितनी हमारी कलियां हैं। हमारी कलियां कितनी हुई, 16, तो हमारा कितना है, 2 इंच। इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच, तो हमारी कलियां कितने की आई, 3 इंच की। तो अब हमने ए शेप में कट करना है, तो हम कैसे करेंगे, 1.5 इंच इधर से उठा लेते हैं, 1.5 इंच इधर से उठा लेते हैं, तो हमारा टोटल हो गया 3 इंच। सेंटर लेके निकालना हमने। अब हम यहाँ से ए शेप में इसको कट कर लेते हैं। आपने फैब्रिक बिछाया हुआ है, आपको लग रहा है थोड़ा बहुत कान में कट रहा है, तो आप 3 की जगह पे 3.5 कर लीजिए एक बार, बाद में शेप देके 3 इंच कर लीजिए। तो यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फैब्रिक वेस्ट हो जाता है, लेकिन इस घेर में बहुत ही सुंदर फिनिशिंग आती है। तो अगर ए शेप का कट करना है तो ऐसे होता है। यहाँ से अब हम इसको कट कर देते हैं। तो आप इनको इस तरीके से बिछा के 3-3, 4-4 कलियों को बाद में शेप दे सकते हो, ताकि कहीं से भी अगर आपकी कली थोड़ी बहुत बड़ी छोटी हो जाए तो उनको तरीके से कट कर सको। तो आई होप आपके लिए आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रही होगी, बहुत ही इन्जॉय भी किया होगा और बहुत कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिली होगी। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी ऐप से जुड़े रह सकते हो। ऐप पे हम ढेरों ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।